आज बताऊंगा आपको माइंड गेम्स के बहुत खतरनाक खतरनाक बैड। और शुरू हमारी इस बैड से होती है और गाइस एंड हमारे कुछ ऐसे बैड से होने वाली है। और गाइस ये इतने खतरनाक खतरनाक बैड है और गाइस एंड में इतने खतरनाक खतरनाक बैड है। तो गाइस जल्दी जल्दी गाइस चलते रहो गाइस, वो सब छोड़ो। तो गाइस क्या आपका ही मन कर रहा है कि ये सब कैसे बने आप जानना चाहते हो, तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट वाले बैड की तरफ। तो हमारे फर्स्ट बैड को बनाने के लिए यहाँ पे हमें रख लें दो बैरल कुछ इस तरीके से रखने हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है स्टेयर्स। स्टेयर्स हमें कुछ ऐसे रखना है, एक हमें रखना है ऐसे और एक हमें रखना है ऐसे। एक गलत रख दिया, ऐसे ये रखने का। तो हमें ये तोड़ देना है और यहाँ पे आना है और हमें यहाँ पे रखना है तीन ट्रैप डोर और इन तीनों को ऑन कर देना है। और इस साइड भी हमें यही करना है। और ये करने के बाद हमें ये पीछे के चार ब्लॉक तोड़ देना है और नीचे के भी चार ब्लॉक तोड़ देना है। और यहाँ पे हमें लगा देनी है हमारी वूल और ऊपर जहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे हमें लगानी है लैडर्स। और यहाँ पे हमें रखना है बेड। और अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्पॉन करना है हमारे वुल्फ को और उसे हमें टेम करना है और सेट कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक रख देना है हमारा फ्लावर पॉट, कुछ इस तरीके से रखना है फ्लावर पॉट। और उसके अंदर हमें डाल देना है हमारा कोई सा भी, मैंने बैम्बू डाल रखा है, कुछ भी डाल सकते हो। और इसके आगे हमें लगा देना है एक आइटम फ्रेम और उसके अंदर डाल देना है बोन। और गाइस हमारा पहला बेड कुछ इस तरीके से बन चुका है। चलते हैं अपने सेकंड बेड की तरफ। तो मैं दूसरा बेड बनाने के लिए यहाँ पे हमें गड्ढा करना पड़ेगा बीच में, तो सेंटर में गड्ढा करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे रखना है हमारे ब्राउन बैनर कुछ इस तरीके से टेढ़ा करके, ये थोड़ा कम टेढ़ा है, हाँ कुछ इस तरीके से रखना। और यहाँ पे हमें लगा देना है स्टेयर्स कुछ ऐसे। और ये करने के बाद हमें इसके आगे रखना है हमारा बेड कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे रखने हमें स्लैब, और स्लैब रखने के बाद हमें यहाँ पे हमें एक चीज़ बनानी है। इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है ऐसे करके ट्रैप डोर, और दूसरा ट्रैप डोर हमें रखना है इसके बगल में ऐसे। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे रखना है एक एंड रॉड कुछ इस तरीके से, दोनों पे रखना है। और अब इसके बाद हमें एंड रॉड के ऊपर भी हमें एक ट्रैप डोर रखना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें लगाना है स्लैब ऐसे करके। कुछ इस तरीके से ये करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हमें वापस ऐसे करके दो लगा देना है ये और यहाँ पे ये। और इसके बाद हमें बस यहाँ पे लगाना है हमारा कोरल। अब दिन में भी देख सकते हो कितना ही शानदार बेड लगा रहा है हमारा। तो गाइस चलते हैं अपने थर्ड बेड की तरफ। तो हमें थर्ड बेड बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है ऐसे करके, उसके आगे हमें रखना है बेड और ब्लॉक के पीछे हमें आना है और यहाँ पे रखने हैं मतलब मैंग्रोव के स्लैब कुछ इस तरीके से। और ये रखने के बाद हमें इसके ऊपर यहाँ पे एक लगना है ऐसे करके स्लैब, और यहाँ पे हमें रखना है एक हमारा मैंग्रोव का वुड, और यहाँ पे हमें रखना है ट्रैप डोर कुछ इस तरीके से, दो ट्रैप डोर रखने हैं। और अगर गाइस हमारा पूरा का पूरा कार की थीम पे होने वाला है तो गाइस बहुत तगड़ा लगने वाला है। हमें ऐसे करके दो रखना है ट्रैप डोर, मतलब ये क्या बोलते हैं हमारे से स्टेयर्स। और इसके हमें यहाँ पे रखनी है कंक्रीट के हमारे दो ब्लॉक आगे पीछे करके। और यहाँ पे हमें डालनी है हमारी फ्रेम और इसके अंदर डाल देना है हमारा कंक्रीट। और इस साइड भी हमें यही करना है। और इसके बाद हमें आगे आना है, यहाँ पे आगे मैं ऐसे करके दो ब्लॉक्स रखने कुछ ऐसे करके। और यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना है एक हमारा ब्लैक कंक्रीट फ्रेम ऐसे, और उसके अंदर वापस से कंक्रीट, दूसरी साइड पे भी हमें यही करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है ट्रैप डोर ऐसे ओपन कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आगे साइड पे लगा देना है ऐसे करके तीन स्लैब, हाँ बस हमें ऐसे करके तीन स्लैब लगाने हैं। और गाइस हमारी फार्मूला कार रेसिंग कार बन चुकी है, बस हमें यहाँ पे एक कारपेट का यूज़ करना है ऐसे करके। और गाइस हमारी पूरी की पूरी कार बन चुकी है। और गाइस भी कार है अच्छी लगती है गाइस, तो गाइस आप ये वाला बेड बना सकते हो। और स्लैब को तो अभी गाइस शुरू से अच्छा लगने लग गया और आ भी गई बस होने के लिए। तो गाइस चलते हैं अपने फोर्थ बेड की तरफ। तुम्हारे फोर्थ बेड के लिए हमें यहाँ पे गड्ढा करना पड़ेगा शुरू के लिए। यहाँ पे हमें चार गड्ढा करना है चार ब्लॉक का कुछ इस तरीके से, तीन ब्लॉक की हाइट तक आप कर सकते हो इसे। और हमें ऐसे गड्ढा करने के सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे लगानी है डर्ट। और डर्ट लगाने का इसके आगे हमें लगा सकते हैं यहाँ पे स्लैब्स, बाकी आपकी मर्जी है आप कोई से ब्लॉक लगा दो क्योंकि ये पार्ट अभी कवर होने वाला है। और इसके तो हमें यहाँ पे लगाना है ऐसे करके ग्लास, और ग्लास लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये हमें तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे डाल देना है वाटर, वॉल डालने के बाद हमें यहाँ पे डालने हैं हमारे सी ग्रास। अब इसको ऊपर से भी तोड़ना पड़ेगा ऐसे करके, आप लगा सकते हो यहाँ पे कोरल्स लगा दो मस्त वाली ऐसे करके। इसके अंदर आप स्पॉन कर दो फिशेस। फिशेस स्पॉन करने के पहले हमें यहाँ पे इसे पूरा कवर कर देना है
और ऊपर से हमें डाल देना है पानी। हमें थर्ड ब्लॉक पे ही डालना है, सेकंड ब्लॉक तक ही डालना है, ये चीज़ याद रखना गाइस। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिश मतलब फिशेज स्पॉन कर देनी है बहुत सारी, इतने काफ़ी है। और इसके बाद हमें ऊपर लगा देना है सी लैंटर्न इस तरीके से, और ये हमारा पीछे साइड का बैकग्राउंड बन चुका है। अब हम अपना बेड बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे से कह के रखने हमारे ओके लॉग्स, और ये ऐसे करके रखना है ताकि ऊपर की साइड इसका ये फेस रहे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे करके एक ब्लॉक रखना है, और एक ब्लॉक रखना है ऊपर, और एक ब्लॉक रखना है ऐसे, दोनों साइड पे हमें यही करना है। कुछ इस तरीके से। इसके बाद ट्रैप डोर हमें यहाँ से लगाना है ऊपर वाले ब्लॉक से, कुछ इस तरीके से। इसके बाद और यहाँ पे हमें ये दोनों ब्लॉक तोड़ देने हैं, और यहाँ पे तोड़ने का हमें यहाँ पे रखना है बैनर कुछ इस तरीके, दो और दो बैनर रखने का। कुछ ज़्यादा टिल्ट हो गया इस बैनर में लग रहा है, हम बैनर को थोड़ा ऐसे करके रखते हैं। हाँ ये थोड़ा टार टिल्ट हो गया, हाँ कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है स्लैब्स कुछ ऐसे करके, और इसके आगे रखने हैं हमें हमारे जो बेड्स होते हैं वो। बेड रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है हमें स्लैब कुछ इस तरीके दोनों साइड पे, और इसके बाद हमें यहाँ पे लगा देना है ट्रैप डोर, और इसे ऐसे करके ओपन कर देना है दोनों साइड पे। और यहाँ पे हमें लगा देना है ऐसे करके बाकी में भी स्लैब्स कुछ इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे रख देना ऐसे करके दो पॉट रख देने, और एक के अंदर मैं ये वाला फ्लावर डालता हूँ और एक के अंदर ये वाला। अगर तुम्हारा मस्त ये दूसरा बेड भी बन चुका है, अब देख के दो कैसा लग रहा है, चलते हैं अपने हमारे फिफ्थ बेड की तरफ। तो हमें फिफ्थ वाले बेड को लाने के लिए ऐसे करके हमें रखनी है ऐसे करके डर्ट, और उसके ऊपर हमें रखना है बैम्बूज, और बैम्बू रखने के बाद हमें क्या करना है, और इसके हमें क्या करना है, यहाँ पे आके हमें रखना है ऐसे करके चार ब्लॉक, और इसके हमें वापस से यहाँ पे आना है, वापस से हमें चार ब्लॉक रखना है ऐसे करके, और ऊपर से भी इसे कवर कर देना कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे ये बोन मिला है इससे हमें इसे ग्रो कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना और यहाँ पे रखना है ऐसे करके एक ऊपर की तरफ स्लैब, और ये नीचे तोड़ देना, और यहाँ पे हमें एक स्लैब रखना है कुछ इस तरीके से दोनों साइड पे कुछ इस तरीके से रखना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे रख देना है ट्रैप डोर ऐसे करके, और एक ट्रैप डोर ऐसे करके, और इसके नीचे हमें लगा देना है लैंटर्न दोनों साइड पे, और यहाँ पे हमें लगाने हैं बैरल्स कुछ, बैरल को हमें ऐसे शेप में रखना है ऊपर की साइड में शेप करके दोनों साइड पे। और बीच में आएगा हमारा बेड, बेड से पहले हमें यहाँ पे गड्ढा करना है, यहाँ पे हमें रखने हैं दो ऐसे करके आर्मर स्टैंड, और यहाँ पे आना है आर्मर स्टैंड रखने के बाद, ये गाइस हमें थोड़ा गलत रख दिया है, हमें तोड़ना है, और हमें आर्मर स्टैंड को ऐसे टेढ़ा उल्टा करके रखना है ताकि इसका फेस पीछे साइड हो, और हमें इसे बना देना है हमारा जॉम्बी का हेड, दोनों को बना देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे रखना है हमें स्टेयर्स कुछ इस तरीके से, दो स्टेयर रखने, और इसके ऊपर हमें रखना है पिस्टन कुछ ऐसे करके, और ऊपर वाला तोड़ देना, और हमें इसे एक्टिवेट कर देना है हमारे रेडस्टोन से, और बाकी हमें इसे सब कुछ तोड़ देना है, और नीचे से हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद हमें आगे रखना है हमारा रेडस्टोन मतलब ग्रीन हमारा बेड, हमें यहाँ पे रखना है ट्रैप डोर, और कहीं गलती से तो ऑन नहीं करना है, हमें बस इसे ऑफ करके रखना है हमारे ट्रैप डोर को। और इसके बाद हमें रखना है कारपेट कुछ इस तरीके से रखना है हमारे कारपेट्स, और अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे रखना है हमें लूम, और लूम के अंदर हमें डालना है हमारा ग्रे बैनर, और हमें डालना है ब्लैक डाई, और हमें ये वाला करने रहे हमें डाई, और फिर ये वापस रख के हमें लगाना है यहाँ पे ये वाला हमें बैनर, और इसके वापस रख लेना है, और बाकी जगह आपको जो मन करे आप वो वाला लगा सकते हो, मेरे को तो ये अच्छा सॉरी ये लगाना था, मैं बातों के चक्कर में कुछ और ही लगा रहा था, बाकी आपको जो अच्छा लगा वो लगाओ, मेरे को थोड़ा ये अच्छा लग रहा था मैं ये लगा रहा हूँ इस तरीके से लगाना है आपको बैनर। और अब देख सकते हो हमारा ये हमारा आखिरी वाला जो बेड है हमारा ये बन चुका है मतलब फिफ्थ बेड, और चलते हैं हमारे सिक्स बेड की तरफ। गाइस सिक्स बेड की तरफ जाने से पहले गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस आगे बढ़ने से पहले, और गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस, आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे गाइस मैं देख रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं हमारे सिक्स बेड की तरफ। तुम्हारा हमारा फिफ्थ बेड मतलब सिक्स बेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके रखना है हमारा ये जो हमारा स्ट्रिप्ड ओक वुड रखनी है ऐसे करके, और उसके बाद हमें रखना है ऐसे करके ऊपर के साइड पे, और यहाँ पे हमें लगाना है एक ड्रिपस्टोन ऐसे और एक ड्रिपस्टोन ऐसे,
एक यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लगा देना है ओक का हमारा प्लैंक। और इसके बाद हमें यहाँ पे दो जगह छोड़ने के बाद वापस से हमें ये चीज़ करनी है, और बीच के में दो ब्लॉक तोड़ देना है, और इस साइड में हमें ये करना है। ठीक है, हमें दो ब्लॉक नहीं छोड़ने थे, हमें गलती है तीन ब्लॉक छोड़ने थे, हमें गलती है दो ब्लॉक छोड़ दिए, कोई बात नहीं, अगर तीन ब्लॉक छोड़ने थे हमें, और फिर हमें यहाँ पे तोड़ देना है, और वापस से हमें इधर भी ये करना है, और बीच के में ये ब्लॉक तोड़ देना है, और इसके बाद वापस से यहाँ पे ड्रिप स्टोन लगाना है, और ऊपर की साइड पर ड्रिप स्टोन लगाना है। ऐसे करने के समय क्या करना है, यहाँ पे लगाना है गेट, हमारे ओक के फेंस गेट होते हैं वो, कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पहला गेट लगाना है, उसके बाद दूसरा गेट लगाना है, ऐसे पूरा गेट गेट कर देना है, ये थोड़ा दिक्कत होने था, ऐसे करके और यहाँ पे भी हमें लगाने गेट ऐसे करके, और इसके बाद हमें ये दो ब्लॉक तोड़ दे रहे हैं। अगर ज़रा दे रहे हैं यहाँ पे हमें तीन ब्लॉक के गैप देना है, गलती चार दे दोगे तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे रखना है बैनर, थोड़ा टिल्ट करके रखना है, बैनर रखने के बाद हमें यहाँ पे रख देना है एक, हमें ऐसे रिकॉर्ड्स का स्टेयर्स, और यहाँ पे हमें एक और रख देना है बेड ऐसे करके, और यहाँ पे हमें लगा देना है ऐसे करके, हमें लगाना है यहाँ पे स्लैब, और स्लैब लगाने के बाद यहाँ पे भी हमें स्लैब लगाना है ऐसे और ऐसे, और बीच में लगाना है हमें ट्रैप डोर दोनों साइड पे, ऐसे ऐसे करके। ओके, आपको पूरा बेड हमारा लगभग बन चुका है, बस यहाँ पे आपको चाहो तो यहाँ पे आप दो लंटन ऐसे करके ढक सकते हो, गैस बस आपको ऊपर से थोड़ा कवर करना है, मैं थोड़ी डिजाइनिंग भूल गया था करना, वो इस तरीके से आपको इसे कवर करना है। ये वरना गैस आपके बेड के ऊपर बारिश हो जाएगी और आप सोते सोते गीले हो जाओगे, वरना से दिक्कत हो जाएगी, फिर आप मेरे को बोलोगे भाई क्या कर बता दिया आपने। कुछ इस तरीके से हमें ट्रैप डोर से कवर करना है, इसे बस मेरा ये पूरा ट्रैक कवर हो ही चुका है। और इसके बाद हमें थोड़ा डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे हमें लगाना है बैनर्स, इस साइड में हमें लगाना है बैनर्स, और यहाँ पे हमें एक बैनर ऐसे लगाना है, और यहाँ पे छोड़ के हमें एक ऐसे और एक ऐसे लगाना है, और यहाँ पे भी हमें यही करना है। वगैरह आप बाहर से भी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, चलते हैं अपने अगले बेड की तरफ। तो हमारे सेवन बेड को आने के लिए मैसेज करके छः ब्लॉक्स रखने हैं। गाइस मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सा भी जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं पहले बता दूं, आप थोड़ा डार्क यूज़ मत करना, थोड़ा लाइट ही यूज़ करना, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगाना ऐसे करके ब्लॉक कुछ ऐसे, और हमें पीछे वाला ब्लॉक तोड़ देना है, और यहाँ पे रखना है ऐसे के बुक शेल्फ रखने हैं हमें ऐसे करके। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे रखने से ये दो तोड़ देने हैं, और यहाँ पे रखना है हमें ब्लू बैनर, और यहाँ पे रखना है हमें स्टेयर्स, और बस इसके आगे हमें रखना है ऐसे करके बेड, और इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है हमारा ब्रेन जो होता है ब्रेन वाला कोरल ऐसे करके, और इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है एक फ्लावर पॉट क्राउच करके रखना पड़ेगा ऐसे करके, और यहाँ पे मैं रखना है इसके अंदर जो आपको अच्छा लगे वो वाला फ्लावर, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू वाली पूरी थीम है हमारी इसलिए। और गाइस ये हमारा बेड बन चुका है, आप बताओ गाइस आपको इनमें से कौन सा बेड अच्छा लगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दो जल्दी जल्दी से।